हेलो गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ गिवन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। देखो सिंपल, हमें एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस टू, ये टू है कॉन्स्टेंट है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो सब पहले इसको पूरे को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टू में ये हो जाएगा एक्स वाई जेड टी, उसके बाद प्लस थ्री के बाद लिख रहा है 10, माइनस 12, उसके बाद लिख रहा है इज इक्वल टू 3, 3, 4, 5, 6। आप देखो सिंपल, आप क्या करना है, इससे कांस्टेंट है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t, और उसके बाद प्लस 3 की ये कांस्टेंट है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लो, 3 × 3, 3 × 3, 0, 0, 3, 6, ठीक है, सिंपल है। अब आइए, अब इस 3 की सब में ये कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 12, 3 × 15, 3 × 18, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, अब क्या है, ये वाला पार्ट को करेंगे। देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 2x + 3 क्या करेंगे, 2x + 3, ठीक है। और 2x + 3, अब इस 2z को इसमें प्लस करेंगे, तो 2z - 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2y + 0, ये हो जाएगा 2y + 0, और 2t + 6 इक्वल टू में ये है आपके पास 9, 12, 15, 18, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, हमको क्या है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो ये इसके 2x + 3 नो के कॉरस्पॉन्डिंग है। फटाफट से यहाँ लिख लेंगे, मैं एक एरो खींच देता हूँ सिंपल सा, लो एक लाइन खींच दी मैंने। अब देखो 2x + 3 = 9 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो 2x हो जाएगा, और 9 - 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x 6/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू आज की हमारे पास, अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, चलो हाँ सिक्वेंस वाइज निकाल लेते हैं, ठीक है। 2y + 0 को इस 12 के इक्वल करेंगे, 2y + 0 इक्वल टू में 12, ठीक है। तो 2y इधर रह जाएगा, 12 इधर रह जाएगा, y 12/2, तो हो जाएगा y की वैल्यू 6। अब z की वैल्यू निकालेंगे, xyz सीक्वेंस वाइज, x की पहले फिर y की फिर z की। अब देखो 2z - 3 को 15 के इक्वल करेंगे, 2z - 3 को 15 के इक्वल। देखो इनको ना डिब्बे में पैक कर देता हूँ, ठीक है, इनको डिब्बे में पैक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे हो चुके हैं ना, इनको डिब्बे में पैक कर लेते हैं, ठीक है। x को कर दिया, y को कर दिया, अब यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो 2z और 15 प्लस माइनस का 3 उधर साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3, तो हो जाएगा 2z और 15 प्लस 3 हो जाएगा 18, ठीक है। z इज इक्वल टू 18/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 9। अब लास्ट t की रह रही है, 2t + 6, इसको इसके लिए तो स्पेस नहीं बचा, तो चलो नहीं इरेज कर लेते हैं। देखो याद रखना, 2t + 6 = 18, ठीक है। तो 2t को इधर ही रहने देंगे, 18 ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, तो 2t, तो t इधर रह जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 12, ठीक है। तो t की वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास गाइस सारी वैल्यू आ चुकी है, x की आ चुकी है, y की आ चुकी है, z की आ चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।